दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस से एक छोटे से कमरे से शुरू हुई और आज 3 बिलियन का वैल्यूएशन होल्ड करती है। ये कंपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सैलून, ब्यूटी सर्विसेज, पेंटिंग, होम अप्लायंस रिपेयर, ऐसे कई सारे सर्विसेज लोगों को घर पे ही डिलीवर करवा देती है। ये मार्केट इंडिया में एक बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड, क्राउडेड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें सक्सेस हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, पर इस कंपनी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सक्सेस हासिल की। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्बन कंपनी की। पर क्या है इस कंपनी की सक्सेस का राज और क्या है इनका रेवेन्यू मॉडल? दोस्तों अभिराज बहल द CEO ऑफ द कंपनी एंड वरुण खेतान द COO ऑफ द कंपनी IIT कानपुर में बैचमेट्स थे। दोनों के बीच कॉलेज में एक बहुत गहरी दोस्ती हुई और कॉलेज के बाद अभिराज ने अपना MBA किया IIM अहमदाबाद से। अपने MBA के बाद अभिराज ने US में 3 साल बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के लिए US में काम किया। US जाने के बाद भी अभिराज वरुण के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहे क्योंकि वो अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते थे और 3 साल बाद वो इंडिया वापस आए और वरुण के साथ उन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया विच इज़ कॉल्ड मूवी बॉक्स। ये बसेस की लॉन्ग जर्नी में एक मूवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का काम करता था। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई राघव चंद्रा से जो कि एक US रिटर्न थे और ट्विटर जैसी कंपनी में काम कर चुके थे। इंडिया वापस आने के बाद वो अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर चुके थे जिसका नाम था बगी, जो कि एक ऑटो रिक्शा पूलिंग सर्विसेज का आइडिया था। पर दोनों ही कंपनीज नहीं चली और 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो गई। फिर तीनों एक साथ मिले और उन्होंने बनाया अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप का इनिशियल आइडिया था लीड जनरेशन, जो कि पार्टनर्स से कस्टमर्स को कनेक्ट कराने का काम करता था। नाउ प्लीज समझिए कि लीड जनरेशन का काम इंडिया में एक हाई मार्जिन बिजनेस तो है, पर इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ वेंडर्स। कस्टमर्स के कन्वीनियंट टाइम पे वेंडर्स का अवेलेबल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरा, लास्ट मिनट कैंसिलेशन, क्योंकि अर्बन क्लैप एक तरीके से येलो पेजेस की किताब का काम कर रहे थे जहाँ किसी कारपेंटर या प्लम्बर को फ़ोन करके बुलाया तो वो कंसाइनमेंट लास्ट मिनट कैंसिल भी कर सकते थे। तीसरा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कमी, क्योंकि हर कोई अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम खत्म कर रहा था। और चौथा, ब्रांड वैल्यू। लोग प्रोफेशनल्स को बुक तो कर रहे थे पर कंसाइनमेंट सक्सेसफुली ख़त्म होने के बाद नाम प्रोफेशनल्स का बढ़ता था और अनसक्सेसफुल होने के बाद UC का ही नाम खराब हो जाता था, तो ब्रांड वैल्यू भी नहीं मिल पाती थी। अर्बन क्लैप के फाउंडर्स को हमेशा यही लगता था कि टेक्नोलॉजी से दुनिया बदली जा सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं था। तब उन्होंने ब्यूटिशंस का एक वर्टिकल पकड़ा और ये एनालाइज किया कि वो ब्यूटिशंस के थ्रू कस्टमर के घर पे डिलाइटफुल सर्विसेज किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अपने प्रीवियस बिजनेस मॉडल के बेसिस पर उन्होंने थोड़ा बहुत कैपिटल रेज भी कर लिया था और क्योंकि बैंक में पैसा था वो अपने एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे जंप कर सकते थे। जब इस कंपनी ने ब्यूटिशंस के वर्टिकल को पकड़ा और उस पर रिसर्च किया तब उनको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दी। पहला, आधे वेंडर्स के पास तो करेक्ट टूल्स और प्रोडक्ट्स ही नहीं थे। दूसरा, 80% ऑफ द वेंडर्स को स्पेशलाइज काम आता था, यानी कुछ लोगों को सिर्फ पेडिक्योर तो कुछ लोगों को सिर्फ मैनीक्योर, और ऑलराउंड नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी थी। तीसरा, काफ़ी सारे वेंडर्स के पास तो टूल्स या प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कैपिटल भी नहीं था। और अब इन सारे प्रॉब्लम्स को UC ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सॉल्व किया। पहला, उन्होंने अपने सभी वेंडर्स को स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स चीप रेट पर अवेलेबल कराए। दूसरा, क्योंकि सभी ब्यूटिशंस इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनको ये सारे टूल्स एक लोन बेसिस पे दिए गए। और उनका तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था ट्रेनिंग, क्योंकि उनको एक ब्रांड बिल्ड करना था और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदलना था। उन्होंने सभी ब्यूटिशंस के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जहाँ पे इवन फ्रेशर्स जो अपना करियर UC के थ्रू शुरू करना चाहते थे उनकी भी ट्रेनिंग SOPs के साथ हुई और ये पैन इंडिया सेम तरीके से डिलीवर कराई गई। इन ट्रेनिंग्स के लिए भी कई सारे लेवल्स थे, जैसे बिगनर टू एक्सपर्ट, Level 1, Level 2, Level 3, और अपने ट्रेनिंग्स ख़त्म होने के बाद उनके पार्टनर्स ट्रेनर्स की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। पर यूसी का रेवेन्यू मॉडल क्या है? अर्बन क्लैप की बेसिकली कमाई अपने वेंडर्स से एक कमीशन चार्ज करके होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की कोई सर्विस ली तो उसमें से UC का कट 25 से 30 रुपये होगा और बाकी सारा वेंडर्स को चला जाएगा। इसके अलावा वो अपना मार्जिन अपनी एप्लीकेशन से बढ़ाते हैं सेम वर्टिकल के कुछ प्रोडक्ट सेल करके। से फॉर एग्जांपल आपने ब्यूटिशन की कोई सर्विस ली तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो अपने ऐप से सेल करके अपना मार्जिन बढ़ाते हैं। पर जैसा हम समझते हैं ये उतना भी आसान नहीं,
यूसी किसी भी वेंडर को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही फीचर नहीं कर देता। किसी भी वेंडर को अपने एप्लीकेशन पे फीचर करने के लिए वो एक थॉरो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, जहाँ पे उनकी टीम पुलिस वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और छोटे शहरों में भी फिजिकली घरों में जाकर चेक करते हैं। और फिर उनके दो इंटरव्यू राउंड्स भी होते हैं, जहाँ यूसी ये देखता है कि ये वेंडर्स यूसी के कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस दे पाएंगे या नहीं। पर उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ये वेंडर्स आउट ऑफ द वे जाकर कस्टमर्स को डिलाइट कर सकते हैं या नहीं। यूसी ने वेंडर्स की वैल्यू क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जहाँ एक वेंडर जो बेसिकली 15 से 20 हज़ार कमाता था, वो अब यूसी के थ्रू ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार कमा पा रहे थे। एक और अच्छी चीज़ ये थी कि अब वो एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड थे। अगर आप किसी भी काम के लिए किसी को घर में अलाउ करते हैं, तो ब्रांड एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा करता है। सभी वेंडर्स अब एक फ्लेक्सिबल टाइम के साथ काम कर सकते थे और उनको सोशल सिक्योरिटी भी दी गई, जहां उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ, एक्सीडेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस दिए गए और फाइनेंशियल लोन्स भी देने शुरू किए। वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग के आइडिया से उन्होंने एक पार्टनर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया, जहाँ 150 करोड़ का एक पूल बनाया, जिसमें 5 साल के टाइम स्पैन में 20 से 30 हज़ार पार्टनर कंपनी का स्टॉक ओनर बन सकते थे। लोग इनिशियली यूसी को एक ब्यूटिशियन सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखने लगे थे और तब उन्होंने और वर्टिकल्स खोलने शुरू किए। जब 2020 में कोविड आया, तो यूसी को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ। लोग ना बाहर जा पा रहे थे, ना किसी को घर बुला पा रहे थे। पर जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, तो इतने टाइम का बनाया हुआ ब्रांड उनके काफ़ी काम आया। लोगों ने इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया कि अगर वो यूसी का वेंडर है तो वो वैक्सीनेटेड होगा और घर आकर विथ प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स अपना काम पूरा करेगा। इनका ब्रांड वर्ड ऑफ माउथ से अब बहुत ज़्यादा फैलने लगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, जहाँ कुछ ब्यूटिशियंस ने यूसी के ऑफिस के बाहर धरना भी किया और ये कंप्लेंट भी करी कि उनके कमीशंस बहुत हाई थे, पुअर सेफ्टी कंडीशंस थे और वेजेस बहुत लो थे। वेंडर्स की इनकम ड्रॉप होने लगी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स भी कम हो रहे थे और रिव्यू बेस्ड एल्गोरिदम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसे अब पूरी तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा था। तब इसका सोल्यूशन यूसी ने एक बहुत ही इनोवेटिव 12-पॉइंट प्रोग्राम से निकाला। उन्होंने 80% ऑफ एल्गोरिदम ब्लॉक्स हटा दिए और सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल एल्गोरिदम से काम किया। सर्विसेज के प्राइसेस को मार्जिनली बढ़ाया, अपने कमीशंस का स्लैब कम किया फ्रॉम 30% to 25% टू 8.5% to 25%, मॉनेटरी पेनल्टीज कम करी, कस्टमर्स यानी एंड यूजर्स के लिए एक लास्ट मिनट कैंसिलेशन फी इंट्रोड्यूस कराई, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में 10% का रिडक्शन किया और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी वेबसाइट पे यूसी अर्निंग इंडेक्स डालनी शुरू की, जहाँ पर ये क्लियरली विजिबल था कि हर एक पार्टनर हर एक कैटेगरी में कितना कमा रहे थे और इसमें यूसी का कितना कमीशन था। आज यूसी के पास ऑलमोस्ट 250 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और 400 से भी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 76% का ग्रोथ दिखाया है और ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का एक्सपेंसेस, पर फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ क्लोज करने की उम्मीद करते हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी कवर करें, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।